नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। वैश्वानर की खोज उपनिषद की कहानियों की श्रृंखला में यह नौवीं कहानी है। छांदोग्य उपनिषद की वैश्वानर की खोज बहुत पुरानी बात है। इसी हमारे देश में पांच बहुत बड़े कुलपति रहते थे। कुलपति उन्हें कहते हैं जो हजारों विद्यार्थियों के भोजन वस्त्र का स्वयं प्रबंध करते थे और उन्हें पढ़ा लिखा कर 25 वर्ष की उम्र तक सभी शास्त्रों में पंडित बना देते थे। आजकल की तरह न तो छात्रों से पढ़ाई की फीस ली जाती थी और न भोजन आदि का कोई खर्च रहता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उन कुलपतियों की हर तरह से सहायता तो करते ही थे। दूर दूर देहात तक में गृहस्थों के घर से उन विद्यार्थियों के लिए भोजन मिलता था। एक एक कुलपति के पास 10-10 हजार विद्यार्थी रहते थे। जिन पांचों कुलपतियों की कथा हम बता रहे हैं वे अपने समय के महान कुलपति थे। उनका नाम महासाल था, जिसका अर्थ होता है असंख्य विद्यार्थियों वाली पाठशाला के कुलपति। उन पांचों कुलपतियों का नाम इस प्रकार था: उपमन्यु के पुत्र प्राचीन साल, पुलुस के पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लव के पुत्र इंद्रद्युम्न, शंकराक्ष के पुत्र जन और अश्व तराश के पुत्र बुडिल। ये सब वेदों के बहुत बड़े पंडित थे। पंडित तो थे ही, साथ ही बहुत बड़े गृहस्थ और गांवों के स्वामी थे। जब कभी कोई त्योहार या पर्व पड़ता तब ये पांचों कुलपति एक जगह पर एकत्र होते थे और उन विषयों पर चर्चा करते थे जिन पर किसी को कुछ संदेह रहता था या जनता में जिसकी बहुत बड़ी जरूरत होती थी। इसी प्रसंग में एक बार ये पांचों कुलपति इकट्ठे हुए थे और शास्त्रों की चर्चा चल रही थी कि एक 70 साल का बुढ़ा गृहस्थ जो देखने में वैश्य मालूम पड़ता था उनकी सभा में आया और आदर सहित हाथ जोड़कर बोला, पंडितों मेरे मन में आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है इस बात को लेकर बहुत बड़ा संदेह फैला है। शास्त्रों की पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है मगर उससे वास्तविक संतोष नहीं होता और न वे सारी की सारी बातें मेरी समझ में ही आती हैं। आप सब हमारे देश के विख्यात पंडित यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसा संयोग फिर कभी नहीं मिलेगा, यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि एक अबोध बच्चे की भांति मुझे सब तरह से अयोग्य समझकर मेरी शंका का निराकरण करें। कुलपतियों की गोष्ठी में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा दौड़ गया। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जिज्ञासु वैश्य भक्ति भाव से विनीत मुद्रा में बैठ गया। उसके उत्सुक हृदय में हर्ष के हिलोरे उठने लगे और कान कुलपतियों के वचनामृत को पान करने के लिए तैयार हो गए थे। पर कुलपतिगण अभी तक मौन भाव से एक दूसरे के उत्तर देने का मौका ढूंढ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि बड़ी देर तक सब के सब चुप बने रहे। अंत में उम्र में सबसे ज्येष्ठ उपमन्यु के पुत्र आचार्य प्राचीन साल ने कहा, भद्र, ब्रह्म और आत्मा संसार के जर्रे जर्रे में छिपा हुआ है। उसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अच्छा होगा कि आप किसी दूसरे दिन फुर्सत से आएं। अभी हम लोग एक दूसरे विषय पर विचार कर रहे हैं जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उसी अवकाश पाकर आपको खुद बुलाएंगे। इस समय क्षमा कीजिए। जिज्ञासु वैश्य उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मन मेरी अशिष्टता को क्षमा कीजिए, मैं जा रहा हूँ और जब आप फुर्सत पाएं मुझे बुला लें। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आज्ञा पाते ही फिर सेवा में उपस्थित होऊंगा। कुलपतियों की एक बला टली यों किसी विद्यार्थी या पंडित को ब्रह्म या आत्मा के विषय में समझाने के लिए उन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था। वेदों और शास्त्रों के वचनों की व्याख्या करके उसे संतुष्ट कर सकते थे मगर आज एक ऐसे व्यक्ति से काम आ पड़ा था जिसके लिए शास्त्रों की व्याख्या ही कारगर नहीं हो सकती थी। उसे खूब समझा बुझा कर संतुष्ट करना था। उसकी हर एक दलीलों का
उचित समाधान करना था। वैश्य के चले जाने पर कुलपतियों की गोष्ठी में ब्रह्म और आत्मा के विषय में विचार शुरू हो गया और अपनी अपनी सूझबूझ और स्मरण शक्ति से सब विचार करने में प्रवृत्त हो गए, किंतु दिन भर बीत जाने के बाद भी सब उलझे पड़े रहे। नई नई शंकाएं उठती गई और शास्त्रों के सैद्धांतिक वचनों में मन ही मन भ्रम फैलता गया। दूसरे दिन भोजनादि से निवृत्त होकर वे फिर उसी आत्मा और ब्रह्म के विचार में लीन हो गए। पर उस दिन भर भी नई नई शंकाओं और नए नए भ्रमों का तांता लगा रहा, किसी निश्चित मत पर पहुंच नहीं सके। अनगिनत शिष्यों को संतुष्ट कर देने वाले उन सभी कुलपतियों की बुद्धि इस विषय पर मूढ़ हो गई थी। वे मन ही मन बहुत लज्जित भी हुए। आखिरकार सब ने मिलकर यह तय किया कि किसी दूसरे ऐसे विद्वान के पास चलकर इसका उचित समाधान कराया जाए जो ब्रह्मवेत्ता हो। वे खुद देश के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनकी शंका का समाधान करना कोई मामूली बात नहीं थी। जाते भी तो किसके पास जाते, खुद उन्हीं के लिए यह लज्जा की बात थी कि सारे जीवन भर ब्रह्म और आत्मा के विचार में सिर खपाने वाले आचार्यों को भी अपने ज्ञान पर संतोष नहीं है। इस तरह बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि इस समय हमारे देश के मुनि वर अरुण के पुत्र उद्दालक का नाम ब्रह्मज्ञानी पंडितों में सबसे अधिक चढ़ा बढ़ा है। उन्हीं के पास हम लोग चलकर पहले अपनी शंकाएँ समाहित कर लें। वे आत्मरूप वैश्वानर को भली भांति जानते हैं। यह राय पक्की हो गई और दूसरे दिन प्रातःकाल वे सब के सब अरुण के पुत्र उद्दालक के आश्रम की ओर रवाना हो गए। उद्दालक का आश्रम वहाँ से बहुत दूर था। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद पांचों कुलपति आश्रम के समीप पहुँचे। उस समय उद्दालक अपने कुछ शिष्यों को पढ़ा रहे थे। दूर से ही देश के विख्यात उन पांचों कुलपतियों को देखकर उन्हें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि अवश्य ही ये लोग किसी शास्त्रीय विषय पर मुझसे समाधान करने के लिए आ रहे हैं। ये सब के सब खुद वेद शास्त्र के इतने बड़े पंडित होकर जो मेरे पास आ रहे हैं, तो शंका भी कोई मामूली नहीं होगी, क्योंकि अपने अपने आश्रमों को छोड़कर इनका इतनी दूर का आना किसी छोटे विषय के कारण नहीं हो सकता। इनके प्रश्न का उत्तर देना सरल काम नहीं। अभी मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि ऐसे ऐसे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर सकूं। अच्छा यही होगा कि इन्हें किसी दूसरे आचार्य के पास भेजकर अपना पिंड छुड़ाऊं। उद्दालक शिष्यों के बीच बैठे बैठे विचार कर ही रहे थे कि वे सब एकदम समीप आ गए। शिष्यों समीप उठकर उद्दालक ने उन पांचों महान कुलपतियों का अभ्यागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछ लेने और अपने शिष्यों के चले जाने के उपरांत उद्दालक ने अपने अतिथियों से आने का प्रयोजन पूछा। उनमें से वयोवृद्ध प्राचीन साल ने संक्षेप में अपनी बातें बता दी। उद्दालक की बात सच निकली। वह थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए विनीत स्वर में बोले, भगवान आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर शिष्यों समेत मैं धन्य हो गया। अतिथि सत्कार के आचारों के अनुकूल मुझे सब तरह से आपको संतुष्ट और प्रसन्न करना चाहिए, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे दुर्भाग्य से आप सबको संतुष्ट करने वाले चीज मेरे पास नहीं है। आप सब हमारे देश के कुलपतियों में से बढ़कर एक हैं। ब्रह्म और आत्मा के विषय में आपकी शंकाओं का निराकरण करना मेरे बूते की बात नहीं है। मैं भी उतना ही बता सकूंगा जितना आप सब जानते हैं। मेरी जानकारी में इस समय कैकेय देश के राजा अशुपति ही आपकी शंकाओं का समुचित समाधान कर सकते हैं। वे आत्मरूप वैश्वानर के सुप्रसिद्ध जानकार हैं। इस विषय में उन्होंने बहुत अधिक अध्ययन और परिशीलन किया है। यदि हम सब लोग उनके पास चलें तो मुझे आशा है कि वे हमारी सारी शंकाओं का निराकरण ब्रह्म और आत्मा के संबंध में समुचित ज्ञान देंगे। उद्दालक की छल रहित बातों को सुनकर वे सब कुलपति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जीवन में ब्रह्म के महत्ता पर इतनी गहराई से सोचने का अवसर उन्हें नहीं लगा था। निरुपाय होकर वे सब दूसरे ही दिन प्रातःकाल केकय देश के राजा अशुपति के पास चलने को राजी हो गए। केकय देश आजकल काकेशिया के नाम से विख्यात है। उस समय भारतवर्ष की सीमा वहां तक मानी जाती थी। महाराज दशरथ की रानी
कैकेयी उसी केकय देश के राजा की पुत्री थी। दूसरे दिन वे पांचों कुलपति उद्दालक के साथ सुदूर केकय देश की ओर पैदल ही रवाना हो गए। उस समय न रेल थी न हवाई जहाज। मुनियों को, जो गृहस्थी में रहते हुए भी संसार के विषय भोगों से दूर रहते थे, हाथी घोड़ा की सवारी से कतई कोई संबंध नहीं था। उनके विद्या प्रेम का इससे बढ़कर दूसरा आदर्श क्या हो सकता है कि वे इतने बड़े विद्वान और मनीषी होकर भी पैदल ही केकय देश की ओर चल पड़े। रास्ते के दुर्गम पहाड़ों, नदियों और जंगलों को बहुत दिनों में पार कर वे केकय देश की राजधानी में पहुंच गए। राजा अश्वति को उनके आने का जब समाचार विदित हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अपने पुरोहित और गुरु को साथ लेकर उसने उन सब की अगवानी की और अतिथिशाला में लिवा जाकर उनके स्वागत समाधान का विधिवत प्रबंध किया। भोजन आदि की व्यवस्था हो जाने के बाद वह उनसे पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना कर दूसरे दिन प्रातःकाल मिलने का वचन देकर रनिवास में चला गया। राजपुरोहित और राजगुरु भी दूसरे दिन प्रातःकाल मिलने की बात करके अपने अपने निवास की ओर चले गए। रास्ते की परेशानियों से थके हुए आचार्यों ने वह रात बड़े आराम से बिता ली। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम के अनुसार उनकी नींद टूटी और वे स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर राजा के आगमन की प्रतीक्षा में लग गए। राजा ने रात में अपने मन में सोचा कि इन मुनियों का आगमन हमारे यहाँ निश्चय ही कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण हुआ होगा, इसलिए उसने प्रातःकाल प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष को बुलाकर एक एक कुलपति को देने के लिए एक एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा, 100-100 गांवें और अन्य बहुतेरी सामग्रियों के साथ अतिथिशाला में चलने का आदेश किया। इन सब सामानों को साथ लेकर वह अतिथिशाला में पहुंचा, जहां वे ब्रह्म जिज्ञासु उसकी प्रतीक्षा में आतुर हो रहे थे। दंड प्रणाम के अनंतर राजा अश्वपति ने उन 6 आचार्यों से अपने तुच्छ भेंट स्वीकार करने की विनत प्रार्थना करते हुए कहा, पूज्य ब्राह्मणों, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए जो आप सबको इतनी दूर आना पड़ा। मैंने इधर आपको आपके आश्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त की कि वे किस प्रकार चल रहे हैं। आज आप सबको आया देखकर यद्यपि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, पर मन में मैं बहुत लज्जित हूँ। यह मेरी भेंट स्वीकार कीजिए और जिन अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो उसके लिए निःसंकोच आदेश कीजिए। मेरा सर्वस्व आपका ही है। थोड़ी देर तक कुलपतियों में एक दूसरे की ओर ताकते रहे, फिर सबके सब मुख संकेत से उद्यालक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमें आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी कृपा से हम सबों के आश्रम निर्बाध रूप से चल रहे हैं। इनकी वस्तुएं ले जाकर हमें बेकार के झंझट नहीं बढ़ाने हैं। कृपया हमारी धृष्टता को अशिष्टता न समझिए। उद्दालक की बातों से राजा अश्वपति के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उसने मन में सोचा कि ये सर्वश्रेष्ठ कुलपतिगण ब्रह्म के पूर्ण जानकार हैं, मुझे ये अपराधी और अधर्मी समझ रहे हैं जो मेरा दिया हुआ धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी देर तक अन्य कुलपतियों के उत्तर की प्रतीक्षा भी मैं करता रहा, पर वे सब के सब चुपचाप बैठे हुए थे। आखिरकार उसने अपने दिल की बात को प्रकट करते हुए कहा, मुनियों, मेरे राज भर में कोई चोर नहीं है, न कोई सूम है, न कोई शराबी है, ऐसा कोई द्विज मेरे राज में नहीं है, नहीं रहने पाता जो अग्निहोत्र न करता हो या वेदों का जानकार न हो, न कोई व्यभिचारी पुरुष है और न कोई व्यभिचारिणी स्त्री। इस तरह मेरा धन सब तरह से शुद्ध है। फिर तब ऐसा कौन सा कारण है जो मेरे दिए हुए धन को आप लोग नहीं लेना चाहते। राजा की विनित बातों को सुनकर 6 वेदज्ञ पंडितों ने एक एक स्वर से कहा, राजन, हम लोग इतने धन की कामना से आपके पास इतनी दूर नहीं आए हैं। राजा अश्वपति को मुनियों के इस वाक्य से यह संदेह हुआ कि मेरा दिया हुआ धन बहुत कम है, ये इतने से अधिक धन या सम्मान प्राप्ति की आशा करके यहाँ आए हुए हैं। उसने कहा, आदरणीय आचार्यों, मैं शीघ्र ही एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ। उस यज्ञ में आप सब लोगों को ही प्रधान याजक यज्ञकर्ता नियुक्त करूँगा और उस पद के अनुरूप विपुल दक्षिणा भी दूंगा, इसलिए आप लोग कृपा करके कुछ दिनों तक यहाँ रुक जाएं।
मैं बहुत शीघ्र ही उसका समारंभ करूंगा। मुनियों ने उत्तर दिया, राजन हम लोग धन की इच्छा करके इतनी दूर नहीं आए हैं, अतएव आप यह धन तथा वह धन सब अपने दूसरे अतिथियों या पंडितों को देने की कृपा करें। हमें तो आप उस आत्मरूप वैश्वानर का ज्ञान बताएं जिसका अध्ययन आपने बहुत गहराई से किया है। राजा चुप हो गया। मुनियों की उत्कंठ ज्ञान पिपासा को जानकर उसे परम प्रसन्नता हुई। उसने कहा, मुनिवर वृंद, आप सबको आत्मरूप वैश्वानर का ज्ञान बतलाने की शक्ति मुझ में नहीं है। राजकाज और ब्रह्मचिंतन में बड़ा अंतर होता है, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुकूल अपनी परीक्षा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत दूर से अनेक कठिनाइयों को झेलकर यहाँ आए हुए हैं, खूब विश्राम कर लें, तो कल प्रातःकाल इस विषय पर विशेष चर्चा की जाएगी। कुलपतिगण सहमत हो गए। राजा अशुपति मंत्री और कोषाध्यक्ष के साथ उन वस्तुओं को लेकर अतिथिशाला से बाहर चला गया। दूसरे दिन कुलपति लोग हाथों में समझा लेकर शिष्य भाव से खुद राजा अशुपति के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें आज उसी से शिक्षा ग्रहण करनी थी। उनको समीप आते देखकर राजा ने सबको बैठने का उचित स्थान दिया और सबसे पहले वयोवृद्ध उपमन्यु के पुत्र प्राचीन साल से पूछा, औपमन्यु, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं। प्राचीन साल ने उत्तर दिया, राजन मैं तो सर्वदा स्वर्ग की उपासना में लीन रहता हूँ। अशुपति ने कहा, औपमन्यु, जिस स्वर्ग रूप आत्मा की उपासना में आप सदा लीन रहते हैं वह विश्वात्मा का ही तेजोमय रूप है। वैश्वानर का अर्थ ही है समस्त चराचर जगत में व्यापक ब्रह्म। यही कारण है कि आपके घर में सोमरस का समुचित प्रयोग होता है और आप प्रसन्न अन्न को खाकर भली भात पचाने में समर्थ होते हैं। प्रिय वस्तुओं का दर्शन भी उसी तेज से करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति विश्वात्मा रूप वैश्वानर की उपासना इस प्रकार स्वर्ग के रूप में करता है, वह रुचि के साथ अन्न भक्षण करता है और उसे भली भांति पचाने में समर्थ भी होता है। वही प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है और उसी का बस वैदिक महिमा सर्वदा उज्जवल रहता है। स्वर्ग ही आत्मा का शीर्ष स्थान अर्थात सिर है, पर यदि आप उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार विनित शिष्य के वेश में मेरे पास न आए होते तो निश्चय ही अभिमान एवं अज्ञान के कारण आपका सिर धड़ से अलग हो गया होता, क्योंकि वह स्वर्ग तो विश्वात्मा का एक अंश मात्र है, न कि संपूर्ण अंग है। राजा अशुपति की उक्त मर्म भरी वाणी सुनकर प्राचीन साल का रहा सहा गर्व भी गल गया। उनकी आंखों में अहम मान्यता का नशा उतर गया। भीतर मन में एक ज्योति पुंज सा भासमान होने लगा। वह सिर झुकाकर खड़े रह गए। राजा ने उसके बाद प्रलुप के पुत्र सत्यज्ञ से इशारा करके पूछा, मुनिवर, आप तो वेदज्ञों में प्रधान माने जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना में रात दिन लगे रहते हैं। सत्यज्ञ ने बिंद स्वर में उत्तर दिया, राजन मैं तो तीनों बेला में भगवान भास्कर की आराधना करता। राजा अशुपति ने कहा, मुनिवर, आप जिस भास्कर स्वरूप आत्मा की उपासना में तीनों बेला लगे रहते हैं वह वैश्वानर रूप आत्मा का ही स्वरूप है। यही कारण है कि आपके कुल में अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। रथों को खींचने वाले घोड़े या खच्चर आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपकी दासियां भी मूल्यवान मुक्ताओं का हार पहनती। आप सुरुचिपूर्ण अन्न को खाकर भली भात पचाने में समर्थ हैं और सदा प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति इस रूप में वैश्वानर रूप आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्न खाकर पचाने में समर्थ होता है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। उसके वश में वैदिकों की महिमा सदा छाई रहती है और वहीं भास्कर वैश्वानर आत्मा की आँख है। पर यदि आप मेरे पास ज्ञान प्राप्ति के लिए न आए होते तो अज्ञानता और अभिमान के कारण निश्चय ही आपकी दोनों आंखें फूट जाती, क्योंकि भास्कर सूर्य उस वैश्वानर आत्मा का केवल एक अंश है, पूर्ण अंश नहीं है। उन्हें पूर्ण समझने का दंड तो आपको भुगतना ही पड़ता, पर अच्छा हुआ कि आप समय रहते सचेत हो गए। सत्यज की जिज्ञासा शांत हो गई। वह चुपचाप निर्निमेश नेत्रों से राजा अशुपति के तेजोमय मुखमंडल की ओर देखने लगे। तदंतर राजा ने भल्लव के पुत्र आचार्य इंद्रदुम्न
की ओर संकेत करते हुए कहा, भाल भाल देव, आप तो पूज्य आचार्य व्याघ्रपाद के वंशज हैं, जिनका पवित्र नाम आज भी वेद ज्ञानियों में श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आप स्वयं सहस्त्रों विद्यार्थियों के आचार्य और वेदों की महिमा के पूर्ण जानकार हैं। मैं आपसे भी यह जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं। इंद्रदुम्न ने संकोच उत्तर दिया, राजन, मैं तो सदा गतिशील रहने वाले वायुदेव की उपासना करता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वही सबसे महान महिमामय है। अशुपति ने कहा, भालल वेव, आप जिस वायु रूप आत्मा की उपासना करते हैं, वह विश्वात्मा वैश्वानर के विभिन्न पथों में बहने वाला है, इसलिए आपकी आज्ञा के अनुसार अनेक राजाओं की सेनाएं विविध क्षेत्रों में गमन करती हैं और अनेक तरह के रथों की पंक्तियां आपके पीछे पीछे चलती हैं। आप रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करके उसे पचाते हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति इस रूप में विश्व आत्मा की उपासना करता है, वह भी रुचि के साथ भोजन करके पचाता है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। यही नहीं, उसके विपुल वंश में वैदिकों की अपार महिमा सदा छाई रहती है। वायु उस विश्वात्मा का प्राण स्वरूप है। यदि आप ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान के लिए मेरे पास यहाँ न आए होते, तो अभिमान और अज्ञानता के कारण आपके प्राणों की गति ही रुक जाती। आचार्य इंद्रदुम्न को अपने उच्च वश एवं ब्रह्म ज्ञान का सचमुच बड़ा अभिमान था। राजा की उक्त बातों से आज उन्हें पहली बार अपनी अल्पज्ञता का बोध हुआ। लज्जा से अवनत मुख होकर वह अपने पैर से जमीन कुरदने लगे। तदंतर राजा ने उनकी बगल में बैठे हुए सर्क राक्ष के पुत्र जन को संकेत करते हुए पूछा, सार्क राक्ष, मैं जानना चाहूँगा कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं। बिनय स्वर में जन बोले, राजन, मैं तो सर्वशक्तिमान आकाश की उपासना करता हूँ। राजा अशुपति ने कहा, भद्र, आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं, वह विश्व आत्मा का व्यापक रूप है, उसी में उसके अनेक रूपों का समावेश हुआ है। यही कारण है कि आप संपत्ति और संतति से भली तरह भरे पूरे हैं। यही कारण है कि आप रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करते हैं और उसे भली भांति पचा लेते हैं। जो भी व्यक्ति आपकी तरह इस आकाश रूप में वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करता है और उसे भली भांति पचा लेता है। उसके विशाल कुल में सदा वैदिक महिमा छाई रहती है और वह सर्वदा प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों का दर्शन करता है। यह आकाश उस वैश्वानर आत्मा का धड़ है। यदि आप मेरे पास पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए न आए होते, तो अज्ञानता और अभिमान के कारण आपका भी धड़ सूख जाता, क्योंकि आप केवल वैश्वानर आत्मा के एक ही अंग की उपासना कर रहे थे और उसे पूर्ण समझने का स्वांग भर रहे थे। आचार्य जन बाहर से कुछ लज्जित से पर भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा अशुपति से कहा, राजन, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मेरा अभिमान सचमुच बहुत बढ़ गया था, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। तदंतर राजा अशुपति ने अश्वतर के पुत्र आचार्य बुडिल की ओर हाथ उठाकर कहा, भद्र, आप किस आत्मा स्वरूप की उपासना करते हैं? बुडिल ने विनम्र भाव से कहा, राजन, मैं तो जल की उपासना करता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में उससे बढ़कर शक्तिमान कोई दूसरी आत्मा नहीं है। राजा ने कहा, महाशय, आप सच बात कह रहे हैं, आप जिस आत्मा की उपासना करते हो वैश्वानर आत्मा का वैभव है। यही कारण है कि आप श्री संपन्न और पुष्टिमान हैं। आपके रुचिपूर्वक भोजन करने और उसी भली भात पचाने का भी यही कारण है। आप भी इसलिए सदा प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। आपकी तरह जो व्यक्ति इस जल रूप में विश्वात्मा की उपासना करता है, वह सुस्वादु भोजन को अच्छी तरह पचाता है और सदा प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। उसके कुल में आप ही की तरह चिरकाल तक वैदिकों की महिमा छाई रहती, किंतु यह सब होते हुए भी वह जल उस विश्वात्मा का निम्न भाग है। यदि आप अभिमान एवं अज्ञान में उसी अल्प ज्ञान के भरोसे पड़े रहते, तो मेरे पास न आते तो आपके शरीर का निम्न भाग नष्ट हो जाता। बेचारे बुडिल सहम कर अरुण के पुत्र उद्दालक की ओर ताकने लगे। तदंतर राजा ने उद्दालक की ओर लक्ष्य करके कहा, भद्र, आप तो ब्रह्म ज्ञानियों में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भला आप किस आत्मा की उपासना
में सदा लगे रहते हैं। उद्दालक ने संकोच भाव से कहा, राजन मैं तो पृथ्वी की उपासना करता हूँ क्योंकि इसी पर समस्त चराचर जगत टिका हुआ है। राजा अस्पति ने उद्दालक को भी आड़े हाथों लिया। उसने कहा, अरुणी आप जिस आत्मा की उपासना करते हो वैश्वानर का चरण प्रांत व प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आप विपुल संतति और असंख्य पशुओं द्वारा प्रतिष्ठित हैं। यही कारण है कि आप रुचि के साथ भोजन करके उसे भली भांति पचाने की भी शक्ति रखते हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति विश्वात्मा की उपासना आपकी तरह पृथ्वी रूप में करता है वह भी रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाता है और सर्वदा प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है। उसके विपुल वश में चिरकाल तक ब्रह्म ज्ञान की महिमा छाई रहती। किंतु जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यह पृथ्वी उस विश्वात्मा का चरण प्रांत है। यदि आप उसे ही अपने संपूर्ण विश्वात्मा समझकर मेरे पास ज्ञान के लिए न आए होते तो आपके चरणों की चलने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो गई होती। उद्दालक भी चुप होकर इधर उधर बगल झांकने लगे। तदंतर राजा अस्पति ने उन छहों आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा, महानुभाव आप लोग वैश्वानर आत्मा को इस तरह अनेक रूपों में समझकर अन्न ग्रहण करते हैं, पर जो व्यक्ति उसके उस विश्व स्वरूप की उपासना करता है जो पृथ्वी से आकाश तक के समस्त प्रदेशों में छाया हुआ है और जो अहम का मूल बीज रूप है, वह समस्त स्वरूपों में और समस्त लोकों में और समस्त आत्माओं में अन्न ग्रहण करता है। आप में और उसमें यही भेद। कुलपतियों में से वयोवृद्ध प्राचीन साल ने विनेश्वर से फिर पूछा, राजन उस विश्वात्मा के विराट स्वरूप को हम यथार्थ रूप से किस प्रकार से जान सकते हैं, यथार्थ रूप में किस प्रकार से जान सकते हैं। राजा अस्पति ने कहा, अवमन्यु ध्यान देकर सुनिए। उस अखिल जगतव्यापी जगदात्मा वैश्वानर का सिर स्वर्ग लोक है, नेत्र सूर्य है, प्राण वायु है, धड़ आकाश है, निम्न भाग जल है और चरण प्रांत पृथ्वी है। यज्ञों की वेदी उसकी छाती है, कुशा उसकी रोमावली है, अग्राहपत्य अग्नि उसका हृदय है, भोजन पचाने वाले जठरांगनी उसका मन है और आह्वनी अग्नि उसका मुख है। उस आह्वनी अग्नि में जो कुछ भी पदार्थ पहले डाला जाता है वहाँ प्रथम आहुति है, उससे प्राण तृप्त होता है। दूसरे आचार्य सत्यज जी ने पूछा, राजन प्राण के तृप्त होने से क्या हुआ। अस्पति ने कहा, भद्र प्राण की तृप्ति से ही नेत्र की तृप्ति होती है, अनेत्र की तृप्ति से आदित्य भास्कर तृप्त होते हैं, उनकी तृप्ति से स्वर्ग लोक तृप्त होता और स्वर्ग लोक की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो सूर्य और स्वर्ग के भरोसे बैठे हुए, उन सब की तृप्ति से यज्ञकर्ता की तृप्ति होती और वह संतति पशु संपत्ति अन्न तेज और वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की महिमा से पूर्ण होता है। इसी प्रकार फिर भी आह्वनी अग्नि में ज्ञान वायु के लिए दूसरी आहुति डालनी चाहिए जिससे कर्णेन्द्रियों की तृप्ति होती है। कर्णेन्द्रिय की तृप्ति की बात इंद्रदुम्न की समझ में ठीक से नहीं आई। वह बोले, राजन कर्णेन्द्रिय की तृप्ति का क्या फल होता है। अस्पति ने कहा, भाललवेव उन कर्णेन्द्रियों की तृप्ति से चंद्रमा तृप्त होता है, चंद्रमा के तृप्त होने से दसों दिशाएं तृप्त होती हैं और दसों दिशाओं की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो चंद्रमा और दिशाओं के भरोसे पर रहते हैं। उन सब की तृप्ति से ही यज्ञकर्ता की वास्तविक तृप्ति होती और तब वह पशु संपत्ति संदति अन्न तेज और ब्रह्म की महिमा से विमंडित होता है। भद्रो इसी प्रकार उस आह्वनी अग्नि में आप अपान वायु की तृप्ति के लिए तीसरी आहुति भक्ति समेत डालनी चाहिए जिससे वाणी की तृप्ति होती। वाणी की तृप्ति वाली बात सर्कराज के पुत्र आचार्य जन के मन में नहीं बैठी। वह विनित वाणी से बोले, राजन वाणी की तृप्ति से भला यज्ञकर्ता को क्या फल मिलेगा। अस्पति ने कहा, सर्कराज वाणी की तृप्ति से अग्नि की तृप्ति होती, अग्नि की तृप्ति से पृथ्वी तृप्त होती है और पृथ्वी के तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो पृथ्वी और अग्नि के भरोसे जीवन धारण करते। उन्हीं सब की तृप्ति होने से यज्ञ करने वाले की वास्तविक तृप्ति होती और तभी वह संतति पशु संपत्ति अन्न और तेज से पूर्ण काम होकर ब्रह्म महिमा से समन्वित होता है। हे सौम्य इसी प्रकार आह्वनीय अग्नि में चतुर्थ आहुति समान वायु के उद्देश्य से डालनी चाहिए जिससे मन तृप्त होता है। आचार्य बुडिल ने कहा, राजन मन की तृप्ति से क्या होगा। राजा अस्पति ने कहा, भद्र मन की तृप्ति से मेघ की तृप्ति होती है
और मेघ की तृप्ति से बिजली की तृप्ति होती है, बिजली की तृप्ति से उन सब प्राणियों की तृप्ति होती है जो मेघ और बिजली पर जीवन निर्भर करते हैं, और उन्हीं सब की तृप्ति से यज्ञकर्ता की वास्तविक तृप्ति होती है, और उसे तभी संतति पशु संपत्ति अन्न तेज और अपार ब्रह्म महिमा की प्राप्ति होती है। सौम्य इसी प्रकार उस आहवनी अग्नि में पांचवी आहुति उदान वायु की तृप्ति के लिए देनी चाहिए, जिससे वायु की तृप्ति होती है। वायु की तृप्ति वाली बात को सुनकर अरुण के पुत्र उद्दालक ने पूछा, राजन भला वायु की तृप्ति से यज्ञकर्ता को क्या फल मिलेगा? राजन ने कहा, अरुणी वायु की तृप्ति होने से आकाश तृप्त होता है, और आकाश की तृप्ति से उन सब जीव समूहों की तृप्ति होती जो वायु और आकाश पर जीवन निर्भर करते हैं, और उन्हीं सब की तृप्ति होने पर यज्ञकर्ता की वास्तविक तृप्ति होती है, और उसे विपुल संतति संपत्ति पशु समृद्धि अन्न तेज और ब्रह्म बल की सच्ची प्राप्ति होती है। आचार्यों, जो व्यक्ति इन बातों को जाने बिना यज्ञ को छोड़कर राह की ढेर पर आहुति डालता है, इसके विपरीत जो व्यक्ति इन सब बातों को भली भांति समझ बूझ कर यज्ञ करता है, उसका सब यज्ञ सब लोकों में सब रूपों में और आत्मा की सब विधियों से समन्वित होता है, उसी को यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार धकती आग में पुआल का सूखा तिनका डालने पर तुरंत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार इन सब बातों का तत्व समझ कर यज्ञ करने वाले व्यक्ति के सब कायिक वाचिक और मानसिक पाप जल कर अपने आप भस्म हो जाते हैं। हे ऋषियों, जिस प्रकार भूखे बच्चे अपनी माताओं को प्राप्त कर सुखी होते, उसी प्रकार इस जगत में विविध यातनाओं से घिरा हुआ मानव अग्निहोत्र की शरण में जाकर सुखी होता है, और उसी के द्वारा उक्त प्रकार के ब्रह्म का और आत्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म कहीं अलग नहीं है, यह समस्त चराचर जगत ब्रह्ममय है, सर्व खलविदम ब्रह्म। पांचों कुलपतियों की ग्रंथियां छूट गई, शंकाएं विलीन हो गई, और कृतज्ञता के अतिरेक से उनके हृदय भर आए। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा अश्वती ने उन्हें अपनी राजधानी से बहुत सम्मान के साथ विदा किया, और पहले दिन जाने वाली दक्षिणा को भी अंगीकार करने के लिए बाधित किया। वे सबके सब बड़े प्रसन्न मन से ब्रह्म ज्ञान की ग्रंथि को सुलझाकर अपने अपने आश्रम को लौट पड़े। लौटते समय उन सबके मन में प्रसन्नता और संतोष की लहरें दौड़ रही थी, आंखों में हरियाली थी और मन में कई गुना उत्साह था। यह कहानी छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ शेयर करें। धन्यवाद।